साल 2016 में नोटबंदी के दौरान कानपुर देहात जिले में बैंक की लाइन में जन्म लेने वाले बच्चे खजांची का कानपुर के पास झिझक के रामा इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला करा दिया गया है। बीते दिनों खजांची ने स्कूल जाना शुरू भी कर दिया। पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। 9 नवंबर को इस बच्चे खजांची ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। अखिलेश यादव ने मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की, साथ में कैप्शन लिखा, नोटबंदी के सारे दावे फेल, बस यही उपलब्धि कि नकदी का चलन 71.84% बढ़ गया और खजांची स्कूल जाने लगा। भाजपाई 15 लाख न सही, खजांची की फीस ही दे दें। बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खजांची की मां सर्वेशा और पिता अखिलेश यादव से मिलने सैफई भी पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद सर्वेशा ने बताया था कि अखिलेश ने खजांची का स्कूल में एडमिशन कराने और सारा खर्च उठाने की बात कही थी। इसके बाद बीते शनिवार को खजांची का रामा इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला करा दिया गया। खजांची स्कूल जाने भी लगा है। 2016 में नोटबंदी के दौरान झिझक में सर्वेशा ने बैंक की एक लाइन में जब वो लगी थी तो बच्चे को जन्म दिया था। इसी वजह से बच्चे का नाम आगे चलकर खजांची रखा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ इस घटना को आम लोगों की परेशानियों से जोड़ दिया था। इस घटना ने मीडिया में भी तमाम सुर्खियां बटोरी थी। तब से ही समाजवादी पार्टी के लोग खजांची को हाथों हाथ लेते हैं, खजांची का जन्मदिन मनाते हैं, खजांची का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। अखिलेश यादव बच्चे को लखनऊ तक बुला चुके हैं। खजांची कानपुर देहात के सरदारपुरवा जोगिनडेरा गांव का रहने वाला है। ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है। अखिलेश खजांची को हमेशा नोटबंदी से आम आदमी को हुई समस्या के एक प्रतीक के तौर पर सामने रखते हैं। लगातार अखिलेश यादव खजांची के संपर्क में रहते हैं, खजांची के परिवार से मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जब अपनी एक लंबी चौड़ी यात्रा पूरे प्रदेश की शुरू की थी तो इस यात्रा के पहले भी यात्रा को झंडा दिखाने का काम खजांची से ही करवाया गया था, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस बात को सामने रखते हैं कि नोटबंदी की वजह से जो समस्याएं पूरे देश के आम लोगों को हुई थी उन समस्याओं का एक प्रतीक है खजांची। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने आकर नोटबंदी का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे से यानी 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी। अब इस नोटबंदी को 6 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस बात पर अभी भी लंबी चौड़ी बहस रहती है कि केंद्र सरकार का नोटबंदी का फैसला ठीक था या नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।